हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, तबीयत थोड़ा सही नहीं होने के कारण मैं आप लोगों को एग्जाम का रिव्यू नहीं बता सका जो बिहार एएनएम को लेके है। और फाइनली एग्जाम ओवर हो चुका है और बिहार एएनएम का जो कट ऑफ होगा और कैसे क्वेश्चंस आए थे पूरा एक विश्लेषण। और सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि ये फीमेल के लिए था, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए नहीं था, क्योंकि कमेंट और जो फोन आप लोग करके पूछते हैं बार बार व्हाट्सएप पे भी, तो ठीक है उससे उस जो मिथ से बचे। तो फाइनली जो ओवरऑल एग्जाम अच्छा रहा, इजी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, मॉडरेट भी नहीं थे, इजी क्वेश्चंस आए थे। जो लोग जो भी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट अगर ढंग से रिविजन की है उनके लिए एग्जाम टफ नहीं है। प्रूफ के साथ मैं पूरा बताऊंगा कि कैसा रहा आप लोग का एग्जाम। तो एग्जाम जितने भी कैंडिडेट्स अभी तक मुझे अपना रिव्यू दे पाए हैं, लगभग 35 से 40 जो जानने में और जो कमेंट में और जो वैसे जो बताया मुझे, उसके आधार पे मैं आपको ये एनालिसिस दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने पोस्ट थे और उसके आधार पे आपको ये, तो ये रहा आपके सामने जो टोटल जो पोस्ट थे ये 10,709, ठीक है, और 5, 11, 12, 3 समय में ये एग्जाम आपका होने वाला है। तो आज 5 को फाइनली एग्जाम हो गया है। पोस्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए आप लोग घबराए नहीं, 10,709 बहुत ही ज़्यादा पोस्ट होता है, ठीक है। और फाइनली बात कर रहे थे कट ऑफ का, ठीक है, तो कट ऑफ की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो अगर जो भी फीमेल जनरल में 42 नंबर में बोल रहा हूँ, 11-12 का एग्जाम कैसा होगा उसके बाद मैं एक फाइनल ओवरऑल, थोड़ा सा वेट कीजिएगा लोग, तो एक मैं ओवरऑल कट ऑफ दूंगा। लेकिन अभी जो रुझान निकल के आ रहा है फाइनली एग्जाम ओवर होने के बाद, जनरल में 42 से 45 नंबर जिसका भी है वो पूरे तरीके से सेफ है। इस चीज़ को मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही सही था और जो फीडबैक रहा बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक रहा है। और ये कहने में मुझे कोई सा भी वो एक तरीके से कहीं हिचक नहीं हो रहा है कि 60% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको अवेयर ही नहीं थे एग्जाम को लेके, ठीक है, और सिलेबस के बारे में उनका कोई अता पता नहीं था, जो फैक्ट है। जो भी सिंसियर हैं, जो वर्किंग है और वर्किंग के साथ जो पढ़ाई में लगे, जो न्यू कमर यंगर हैं, मैं उनके लिए ये थोड़ा कट ऑफ बढ़ाने वाली है। और जो अदर स्टेट्स जैसे राजस्थान, राजस्थान से यूपी से एमपी तक की जो कैंडिडेट यहाँ पे आके एग्जाम्स दे रहे हैं उनके आधार पे ये कट ऑफ थोड़ा सा चले जाने की उम्मीद है। इस बात से आप लोग मुकर नहीं सकते हैं। तो जनरल 42 से 45, ईडब्ल्यूएस 41 से 43 जिसका भी है वो सेफ है, पूरे तरीके से सेफ है, ठीक है। कट ऑफ में भी कहीं 1-2 नंबर और भी कम हो सकता है या बढ़ सकता है, इसका 13 या 14 को कंफर्म होगा, वो भी जब पूरा एक एनालिसिस होगा, पूरा एक सर्वे होगा उसके आधार पे, ठीक है। ईबीसी की, ओबीसी की बात करें तो 40 से 42 नंबर जिनका भी है वो सेफ है, ईबीसी 38 से 40। अब एक बात यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, 35%, यहाँ पे 35% आरक्षण की कोई बात ही नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे मेल कैंडिडेट है ही नहीं। इसलिए कमेंट सेक्शन में जो लोग बार बार पूछते हैं और जो मुझे पूछा भी गया कि 35% ऐसा कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे फीमेल के लिए, तो यहाँ पे 35% का कोई आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये कट ऑफ है आपके सामने। ईबीसी 38 से 40, एससी की बात कर ले 34 से 38 और एसटी 33 से 36। ये इस रेंज में जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स आ रही हैं वो पूरे तरीके से सेफ है, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और ताकि उनको पॉजिटिव फीडबैक मिले, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मैं देता रहूँगा। और जो भी अपडेट मैं दिया अब तक वो सही रहा है, ठीक है, और ऑफिशियल अपडेट ही देता हूँ मैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम, कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, थैंक यू।